हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मधुबनी पेंटिंग बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल पेंटिंग है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब इसकी आउटलाइन कर रही हूँ। और मधुबनी पेंटिंग की एक खासियत है कि एक खासियत और पहचान भी है कि इसकी आउटलाइन की जाती है, और जो कि डबल आउटलाइन होती है, उससे ये और सुंदर लगती है। तो देखिए, मैं इसकी आउटलाइनिंग कर रही हूँ। तो मैं ये मोर बना रही हूँ दोस्तों। मेरा पेंटिंग का जो मेन कैरेक्टर है वो मोर है। मैं इसको थोड़ा लेंथी, थोड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि ये दिखाई दे, अच्छे से फोकस होए। और इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। वैसे तो आप ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप इसमें मोर से रिलेटेड ही पैटर्न बनाएं, जैसे कि मोर के पंख होते हैं उसी तरीके से। तो मैं वैसे ही बनाऊंगी दोस्तों, तो आप देखिए। तो ये हमारा मोर बन के तैयार हो गया है। अब मैं टहनियाँ बनाऊंगी दोस्तों, और इसमें हम किसी भी कोई फूल बना सकते हैं। मैं वैसे लोटस बना रही हूँ, जिससे ये और सुंदर दिखाई देगा। आप इस बेल में पत्तियाँ जैसे आपको पसंद हो उस तरीके का डिज़ाइन आप बेल में बना सकते हैं। तो देखते रहिए, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊँगी ताकि और ये हमारा सुंदर लगे मोर। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अब मैं इसकी आउटलाइनिंग कर रही हूँ, और इसमें मैं पैटर्न भी बनाऊँगी। इसमें मैं मोर से रिलेटेड ही पैटर्न बना रही हूँ, मोर के पंख बनाऊँगी मैं। पैटर्न हमारा बनके तैयार हो गया है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है मोर, अब हम उसको हाईलाइट करेंगे ताकि वो चमके। तो दोस्तों देखते रहिए, हम इसको हाईलाइट करेंगे।
उसके हर पार्ट को, उसके पंखों को, सबको हाईलाइट करेंगे ताकि अच्छे से चमके। अब मैं इसकी आँख बना रही हूँ जो कि मेन फोकस पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग में किसी भी कैरेक्टर का। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से बनाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अब मैंने कुछ पैटर्न्स को हाईलाइट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक सुंदर बना के दिखाना है तो ये हमारी पेंटिंग बन के तैयार हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।